महाराष्ट्र के बीड में लगे इस बैनर में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को शहीद बताया गया है। ये बैनर बीड के मजल गांव कस्बे में लगाए गए हैं, जिसमें दोनों को शहीद के रूप में दिखाया गया है। बैनर के नीचे मोहसिन भैया पटेल मित्र परिवार लिखा गया है। इसको लेकर स्थानीय पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब मोहसिन पटेल की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस की नजर में ये पोस्टर उकसाने वाले हैं। वहीं यूपी में भी ऐसी भाषा बोलने वालों की कमी नहीं। कांग्रेस के प्रयागराज के एक स्थानीय नेता ने कुछ ऐसी बात कह डाली जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे? विवादित बयान देने वाले इस शख्स का नाम है राजकुमार सिंह उर्फ रज्जू भैया, वार्ड नंबर 43 साउथ मलाका से। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। प्रयागराज के रहने वाले राजकुमार सिंह दो टूक कह रहे हैं कि अतीक अहमद ने शहादत पाई है और उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार को हिरासत में ले लिया। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूं और मैं ये मांग करता हूं कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि भजन पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? ये मामला गर्माता देख कांग्रेस ने फौरन सख्त एक्शन लिया। विवादित बयान देने वाले पार्टी नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। विवादित बयान को राजकुमार सिंह का निजी बयान बता डाला। लेकिन हद तो तब हो गई जब पार्षद का चुनाव लड़ने वाला कांग्रेस से ये निकाला गया नेता अतीक अहमद की कब्र तक जा पहुंचा और वहां अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे और असद अमर रहे तक के नारे लगाने लगा। देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। ये नहीं, राजकुमार उर्फ रज्जू भैया ने अतीक की कब्र पर तिरंगा तक रख दिया। बात सिर्फ प्रयागराज तक ही सिमटी नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मुद्दे पर यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता तौकीर रजा ने बरेली में धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। तौकीर रजा ने धरने के लिए जब तय जगह की तरफ कूच करने की कोशिश की तो उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें जबरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है। इसके बाद तौकीर रजा रोड पर ही धरने पर बैठ गए और उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तमाम कोशिशों के बाद भी तौकीर रजा को धरने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने सरकार को जमकर कोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।